हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डीवीटी, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो पहले देख लेते हैं कि ये है होता क्या है। थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होता है कोई भी डीपर वेन में, चाहे वो आर्म में हो, लेग में हो, एब्डोमिन में हो, कहीं पे भी, जितनी भी हमारी डीप वेन है बॉडी के कोई भी पार्ट में, वहाँ पे अगर ब्लड को क्लॉट का फॉर्मेशन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। पर ज़्यादातर ये जो क्लॉट होता है वो हमारे लेग में होता है, लोअर लिम में होता है, ठीक है। देन मे ब्लॉक कम्प्लीटली और पार्शियली ब्लॉक इससे ब्लड वेशल हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो के लिए, क्योंकि क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है वो नॉर्मल ब्लड फ्लो कैसा होता है, लेमिनार होता है, कि उसमें जो WBC RBC सब बीच की ऐसे रो में ऐसे बहते हैं ब्लड वेसल। जैसे मान लो कि ये आपकी ब्लड वेसल है, तो जो आपका ब्लड फ्लो है वो इस तरह से बीच में, इसको लेमिनार ब्लड फ्लो बोलते हैं, इस तरह से बीच में बहना चाहिए। अगर वो ऐसी ब्लड वेसल की साइड पर ऐसे बहने लगता है तो फिर वहाँ पर स्टेसिस वगैरह, मतलब खून जमने की प्रक्रिया होना चालू हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है कि जो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता। एक तो कोई भी टाइप की इंजरी, चाहे वो इंजरी सर्जरी की वजह से हुई हो, चाहे कोई भी इन्फ्लामेशन की वजह से हो, नॉर्मल इंजरी की वजह से ब्लड वेशल अगर इंजर्ड हो जाती है, मान लो कि ये आपका रास्ता है, यहाँ से खून बहता है, तो यहाँ पर कोई भी टाइप की इंजरी हो जाती है तो आपका खून यहाँ पर रुक जाएगा और वहाँ पे थ्रोम्बस या स्टेसिस होके और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन स्लगिश ब्लड फ्लो, स्लगिश मतलब जैसा ब्लड बहना चाहिए वैसे नहीं, अपने आप धीमे 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 से बहता है। अगर ब्लड फ्लो की जो नॉर्मल गति होती है उससे वो धीमे धीमे भी बहता है, उसका फ्लो कम हो जाता है, तो भी ये चांसेस होते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के। उसके बाद है इंक्रीज्ड विस्कोसिटी, कोई भी जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ओबेस पर्सन में, कोई भी रीज़न से अगर ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है तब भी ये प्रॉब्लम होती है। देन डिक्रीज मूवमेंट ऑफ लेग, अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक आप अपने पैर हिलाते नहीं हैं, है ना, पैर की मूवमेंट नहीं होती है तो भी ये डिसीज़ हो सकता है। ऐसा जनरली ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि जिसको अगर कोई सर्जरी के बाद बेड रिडन है, या कोई इलनेस के चलते बेड रिडन है पेशेंट है, या अगर आप कोई लॉन्ग जर्नी करते हो तो उसके चलते अगर आपके पैर एक ही पोजिशन में लंबे टाइम तक है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पर भी DVT के चांस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है लेग में, उसके लिए जरूरी है जो काफ मसल है उनका कॉन्ट्रेक्शन होना, लेकिन इस कंडीशन में काफ मसल का कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाता है मूवमेंट नहीं होने की वजह से, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, काफ मसल का कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं होगा, और अगर ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं होगा तो वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन। देन प्रेशर, कोई भी वजह से लेग पे, लोअर लिम पे प्रेशर ज़्यादा आता है, चाहे वो प्रेगनेंसी की वजह से हो, चाहे ओबेसिटी की वजह से हो, तो भी होता है। जेनेटिक फैक्टर, अगर फैमिली हिस्ट्री है आपको, है ना, आपका क्लॉटिंग फैक्टर की कोई डिफेक्ट है तो भी हो सकता है, जो भी फैक्टर क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन कैंसर, कैंसर में ज़्यादातर ल्यूकेमिया या ऐसे जो भी ब्लड कैंसर से जिसमें ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ब्लड में बढ़ती है जिसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कैंसर के लिए जो कीमोथेरापी या रेडिएशन थेरापी लेते हो आप, और उसकी वजह से जो हेल्दी सेल इंजर्ड होते हैं उसमें अगर गलती से ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये हो गई बात हमारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। अगर हम कोज की बात करते हैं तो वो सेम ही है कि अगर लैक ऑफ मूवमेंट है, जो मैंने आपको बताया था काफ मसल के बारे में। देन सेकंड है कि इंजरी, वही प्रेशर की वजह से, कैंसर, स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि स्मोकिंग जो होता है जो ब्लड की विस्कोसिटी को भी बढ़ाता है, उसकी चिकनाहट को भी बढ़ाता है, और दूसरा ब्लड वेसल को इंजर्ड भी करता है, तो वो नहीं करना चाहिए। देन एज, एज जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से क्लॉटिंग की संभावना ज़्यादा रहती है, बराबर। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। IBD ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसके चलते क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं, तो इन्फ्लामेटरी चेंजेस की वजह से भी इंजरी हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वैसे भी हमारे हेल्दी सेल को डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो वजह से हो सकता है, ठीक है। वेरिकोस वेन, वेन जो जैसे नॉर्मल होती है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो वहाँ पे स्टेसिस होने की वजह से वहाँ पे थ्रोम्बस हो सकता है। देन COVID-19 एंड OCP, हार्मोनल जो थेरापी होती है उसकी वजह से भी ये इसका एक रीज़न है।
उसके बाद हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सिम्टम्स में क्या क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, स्वेलिंग हो जाएगा उस जगह पे, है ना, स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड लेग और आर्म, ठीक है। फिर पेन एंड टेंडरनेस, क्योंकि वो पार्ट में आपको ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा तो पेन मिलेगा, पाल्पेशन पे आपको टेंडरनेस मिलेगी, वॉर्मनेस, है ना, वहाँ पे वो पार्ट दूसरे पार्ट के कंपेरिजन में वहाँ पे गर्माहट रहेगी, रेडिस और अदर कोई भी डिस्कलरेशन मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं मिलता है तो धीरे धीरे वहाँ पे ब्लैकेज डिस्कलरेशन होने के भी चांसेस रहते हैं। देन सुपरफिशियल जो वेन होती है वो थोड़ी लार्ज हो सकती है प्रेशर की वजह से, है ना। देन एब्डोमिनल पेन हो सकता है अगर ये क्लोट वेन अगर एब्डोमिनल वेन में जाता है। देखो एक चीज़ याद रख लो कि जब ब्लड फ्लो कोई एक जगह पे स्थिर रहता है, मान लो कि यहाँ पे ब्लड फ्लो है, ये यहीं पे पड़ा रहता है, लेग की वेन है मान लो ये, तो इसको हम थ्रोम्बस बोलेंगे। लेकिन इसमें से ये उठ के कहीं चलने लगता है और ये ब्लड वेसल में घूमने लगता है, या इसका कोई एक पार्ट भी अगर टूट कर इससे कहीं पूरी ब्लड वेसल में होके बॉडी के दूसरे पार्ट में घूमने लगता है तो उसको एम्बोलाई बोलते हैं, यानी कि एम्बोलिज्म, ठीक है, क्लियर। थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, अगर ब्लड फ्लो कोई एक जगह पे है तो थ्रोम्बोसिस, अगर वो घूमने लगता है सभी वेन में तो वो एम्बोलाई एम्बोलिज्म, ठीक है। अब अगर सीवियर हेडेक भी हो सकता है अगर ये जो थ्रोम्बस है वो अगर ब्रेन में जाके और ब्रेन की वेन को ब्लॉक करता है, ठीक है, सीजर्स वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशन में मेन इसकी कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब पल्मोनरी वेन में जाके इसका क्लोट वहाँ तक चले जाएगा और वहाँ पे क्लोटिंग करेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे क्लोट होने की वजह से लंग्स को प्रॉपरली खून नहीं मिल पाएगा, है ना, खून आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो खून नहीं मिलेगा तो क्या होगा, खून नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हाइपोक्सिक कंडीशन होगी, इसलिए पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, थोड़ी थोड़ी सांस लेगा और जल्दी जल्दी रैपिड सांस लेगा, तो वहाँ पे आपको टैकिपनिया भी मिलेगा, और चूंकि हार्ट को भी पंपिंग ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है लंग को, इसलिए वो जल्दी जल्दी पंपिंग करता है, तो वहाँ पे टैकीकार्डिया रैपिड पल्स भी मिलेंगे, टैकिपनिया यानी कि उसकी ब्रीदिंग भी ज़्यादा मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मिलेगी, कफिंग विद ब्लीडिंग क्योंकि वहाँ पे क्लॉट है ब्लड का तो ब्लीड के साथ कफ होता है, चेस्ट पेन होता है, ब्लड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए स्ट्रोक की कंडीशन, अगर यही थ्रोम्बस अगर ब्रेन में जाता है तो स्ट्रोक की कंडीशन कर सकता है। बाकी अगर देखते हैं कि ब्लड थिनर थेरापी इसमें देनी पड़ती क्योंकि क्लोट है, तो इसको मॉडर्न वाले यही करते हैं, एलोपैथ वाले कि इसमें ब्लड थिनर देते हैं, तो उसकी भी अलग कॉम्प्लिकेशन होगी, ये तो ठीक हो जाएगा लेकिन उसके वजह से जो हेमरेज वगैरह ज़्यादा, तो उसमें रेगुलर बेस पे फिर आपको जब भी आप ब्लड थिनर ले रहे हो तो बीच बीच में आपको उस थेरापी के दौरान बीच में आपको रिपोर्ट्स करवाने हैं, जो भी आपके क्लोटिंग फैक्टर वाले रिपोर्ट्स है वो, है ना। फिर अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन आपकी लेग की मूवमेंट करते रहना चाहिए, एक ही कंडीशन में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं बैठना चाहिए, आपका वेट मैनेज रखना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, हार्मोनल पिल्स नहीं लेनी चाहिए। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस इसका है कि डुप्लेक्स यूसीजी, डुप्लेक्स यूएसजी का मतलब क्या है कि ये भी एक टाइप की सोनोग्राफी है जिसमें जो ब्लड वेन्स होती है उसके अंदर उसका फ्लो चेक किया जाता है कि फ्लो कैसा हो रहा है वो देखा जाता है, ठीक है, तो ये एक अलग इसका स्पेसिफिक डायग्नोसिस का वो है। फिर उसके बाद एक है ब्लड टेस्ट में अगर स्पेसिफिक देखें तो डी डाइमर टेस्ट, डी डाइमर क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है, ये तभी बढ़ता है जबकि ब्लड में थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बोसिस बढ़ेगा तो ये प्रोटीन बढ़ता है तो ये बढ़ावा मिलेगा ब्लड टेस्ट में, तो डुप्लेक्स यूएसजी ब्लड टेस्ट में डी डाइमर टेस्ट है ना। फिर वेनोग्राफी, ये भी स्पेसिफिक टेस्ट है, उसमें क्या करते हैं एक्सरे और डाई दोनों का इस्तेमाल करते हैं, डाई को इंजेक्ट किया जाता है जो भी आपकी बड़ी वेन है जो अफेक्टेड वेन है और फिर उसका एक्सरे के थ्रू एग्जामिनेशन, तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, डुप्लेक्स यूएसजी, वेनोग्राफी और तीसरी डी डाइमर टेस्ट, बाकी तो एमआरआई और सीटी स्कैन तो हम करवाते हैं और बाकी क्लिनिकल सिम्टम्स पे भी आप डायग्नोस कर सकते हो। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहाँ कहाँ पे, मतलब इस कहाँ से ये मिक्सअप हो सकता है, बराबर, डिफरेंशियल सापेक्ष दिखते, तो इसमें एक तो आप इसका कर सकते हो मसल स्ट्रेन और टीयर, क्योंकि इसके सिम्टम्स कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, इसमें क्या मिलता है स्वेलिंग पेन टेंडरनेस, ये दूसरे डिसीज में भी मिल सकता है ना सिम्टम्स में से, तो मसल स्ट्रेन टीयर सेल्यूलाइटिस है वेस्क्यूलाइटिस है,
है ना। फिर पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज़ है, वेरिकोज वेन है, स्पाइडर वेन है, देखो सेल्यूलाइटिस, वेस्क्यूलाइटिस, वेरिकोज वेन, स्पाइडर वेन, पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज़, जो आर्टरी और वेन के डिसीज़ है वही है मोस्ट ऑफ। फिर लिम्फेडेमा है ना, फिर लिम्फेजेनाइटिस, ठीक है, क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी, ये सभी उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएंगे। और इसके और अगर परीक्षा की बात करें कि हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे सिम्टम्स में से, तो उसमें स्वेलिंग मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगी, वार्मनेस, डिस्कलरेशन मिलेगा, है ना। तो ये सभी हमें लिखना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।